अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध सोलन की वोन मोनेस्ट्री ने डाक विभाग को भी अपनी ओर आकर्षित कर ही लिया। यही वजह है कि डाक विभाग ने वोन मोनेस्ट्री पर विशेष स्पेशल डाक एनवेल्प जारी किया है। इस विशेष एनवेल्प पर मोनेस्ट्री का सुंदर दृश्य दर्शाया गया है। वोन मोनेस्ट्री में विदेशी लोग बेहद रुचि दिखाते हैं और यहाँ आना बेहद पसंद करते हैं, जिसकी वजह से ये मोनेस्ट्री धीरे धीरे बेहद प्रसिद्ध होती जा रही है। इस मोनेस्ट्री के बारे में देश और विदेश दोनों में और प्रसिद्धि हो, इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिले, इसी उद्देश्य से इस एनवेल्प को जारी किया गया है। ये जानकारी सोलन डाकघर के अधीक्षक हेमशंकर शर्मा ने मीडिया को दी। डाकघर के अधीक्षक हेमशंकर शर्मा ने बताया कि फिलेटली डाक टिकट प्रदर्शनी हिमपेक्स 2020 के तहत विशेष डाक एनवेल्प जारी किया गया है, जिसमें मेनरी मोनेस्ट्री का इतिहास दिखाते हुए मोनेस्ट्री की खूबसूरत तस्वीर को दर्शाया गया है। वहीं उन्होंने मोनेस्ट्री के इतिहास के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मेनरी मोनेस्ट्री बहुत प्राचीन है, जिसका प्रचार प्रसार तेजी से हो रहा है। उन्होंने कहा कि सोलन के दोलांजी में स्थित मेनरी मोनेस्ट्री युगद्रंग बोन की संस्कृति को विस्तारित करने में अहम भूमिका निभा रही है और पर्यटकों को अपनी ओर खूब आकर्षित करती है। यही वजह है कि इसे डाक विभाग में विशेष स्थान दिया गया है। फ्लेटी एग्जीबिशन के दौरान सोलन डाक मंडल में मेनरी मोनेस्ट्री दोलांजी ओच घाटी सिरमौर जिला में पड़ती है, इसके ऊपर एक विशेष डाक आवरण स्पेशल कवर रिलीज किया गया, जिसमें मोनेस्ट्री की बड़ी सुंदर फोटो दर्शाई गई है और उस कवर पर उसका इतिहास भी है मोनेस्ट्री का। जो मेनरी मोनेस्ट्री है, ये बौद्ध परंपरा की बहुत प्राचीन संस्कृति है। ये बुद्ध के जन्म से भी पहले से चली आ रही है। बीच में ये कुछ पीछे चली गई थी, लेकिन अब इसका प्रसार तेजी से हो रहा है। और जो हमारे धोलांजी में मोनेस्ट्री है, ये बोन परंपरा को विस्तारित करने में अहम भूमिका निभा रही है। इस मोनेस्ट्री में अपनी परंपरा के लिए शिक्षा प्रदान की जाती है और पीएचडी तक की डिग्री प्रदान की जाती है।